व्हाट्सअप गाइस ब्रो, आप कभी भी मतलब गेम मोबाइल का रिसीट करते हो तो सोचते हो यार मेरा पबजी अनइंस्टॉल हो जाएगा, फिर उसको डाउनलोड अपलोड कर मतलब अपडेट करना पड़ेगा, तो आप कभी डर से जल्दी करते नहीं हो गए ओके ब्रो। और कभी कभी क्या होता है किसी के मोबाइल में अगर शेयर करना होता है तो सोचते हो गए और शेयर कर दोगे, फिर ओबीबी भी शेयर कर दोगे, पर उसको ब्रो आप सोचते हो यार इस उसका फाइल जो अंदर का फाइल है तो उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा मिल जाएगा। ब्रो मैं जानता हूँ ब्रो, देखो किसी का भी 1.5 GB डाटा रहता है ना तो वो सोचता है मोबाइल रिसेट करने के लिए, रोम चेंज करने के लिए यार पबजी ये सब सोच, उसके लिए एक्स्ट्रा नेट लाना पड़ता है, तो वो सोचता है कि करूँ या नहीं करूँ। तो ब्रो मैंने बताया मैं ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ आपको ब्रो कि कोई भी फ़ोन अगर रोम भी चेंज करोगे ना तो आपको गेम में 1 MB भी अपडेट नहीं करना पड़ेगा, तो डाउनलोड करना पड़ेगा ओके ब्रो। सिर्फ आपको सिर्फ बैकअप लेकर रखना पड़ेगा, बता दो क्या। एक तो ओबीबी होता है, आपको पता होगा ओबीबी के बारे में, वो तो पता ही होगा, आईपी के पता होगा। पर ब्रो डाटा फाइल को मैं ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा ना ब्रो, आपको कोई भी फ़ोन हो उसमें आपको अगर पबजी देना होगा अब उसको 1 MB भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, बस 3 फाइल भेजना पड़ेगा आपको, सब हो जाएगा। और आप कभी भी रोम चेंज करोगे उसको लेकर बैकअप लेकर रखोगे ना, बस गेम इंस्टॉल करो, उसको कॉपी पेस्ट करो, आपका कहीं भी अपडेट नहीं हो, डायरेक्ट गेम ओपन हो जाएगा, आप कोई भी मैप खेल सकते हो विदाउट एनी इशू के कारण। मैं बताता हूँ कैसे होता है ओके। उसके लिए आपको सॉलिड एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोर डाउनलोड करना पड़ेगा ओके। मैं बताता हूँ, नाम बताता हूँ ओके। सॉलिड एक्सप्लोरर सर्च करोगे ब्रो, आपको ये फर्स्ट में मिल जाएगा ओके। सॉलिड एक्सप्लोरर सर्च करोगे, उसको ओपन करना, उसको ओपन कर रहे होगे तो पहले इसका जो एंड्रॉयड में जाना डाटा में जाना, ये तो अभी भी जानते हैं अभी भी, इसको पहले बैकअप ले लेना ओके। चलो मैं फिर से बताता हूँ कि क्या क्या करना है। जैसे चलो इसमें गए, पहले इसका एंड्रॉयड में गया, डाटा में गया ओके। फिर पहले मैं इसका ये बैकअप लेता हूँ, ये है ना, इसको ऐसे क्लिक कर होल्ड करना थोड़ा देर, फिर 3 लाइन पे क्लिक करना और यहाँ आर्चिप लिखा है आर्चिप, इस पर क्लिक करना ओके। और इसमें आपको कौन सा फाइल बनाना बताऊँ मैं, देखो बोलो जब भी बनाना जीप फोल्डर बनाना ओके, जीप करके क्रिएट कर देना ओके। और उसके बाद यहाँ दिखाएगा कितना देर में हो जाएगा ओके, आपका प्रिवेंसिव इन्फॉर्मेशन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको ब्रो, थोड़ा टाइम लगेगा इसके, बताए ब्रो अगर ये कर लोगे ना आपको कभी भी 1 MB भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, 1 MB भी नहीं। आप डायरेक्ट कभी भी रोम चेंज करोगे सोचोगे नहीं कि यार पबजी डाउनलोड करेगा, कुछ नहीं, आप इसको बस दूसरे मोबाइल में रखो, डालो कोई भी फ़ोन रहेगा, देखो कोई भी फ़ोन में शेयर करोगे ना तो शेयर करोगे डायरेक्ट इस फाइल को कॉपी करोगे, आपको ना तो MB की जरूरत है ना तो कुछ जरूरत है, डायरेक्ट हो जाएगा। आप किसी में जानते हो बोलते हो किसी का 1.5 GB होता है, 1 GB होता है ना, तो कर नहीं पाता है तो सोचता है यार अपडेट करना पड़ेगा ये सब, पर बोलो ये फिक्स है ओके। जैसे ये कर लोगे ना आपको 1 MB भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, बस ये 3 जो मैं 3 फोल्डर बताऊंगा बैकअप लेने के लिए, ये 3 बैकअप लेना तो उसको बताऊंगा ब्रो। आप वीडियो वॉच करो, मैं मिलता हूँ लास्ट में ओके। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ओके, कुछ भी होगा मैं बताऊंगा, जैसे ये बैकअप हो जाता है मैं आपको बताता हूँ क्या करना उसके बाद ओके। और हाँ ब्रो 3.25 GB लिखा हुआ है ना उतना आपका बैकअप होगा ओके। और एक ही जॉब पूरी वीडियो को फुल वॉच करो तो आप समझ पाओगे ब्रो ओके, तो वीडियो को फुल वॉच करना। हे गाइज मैं आ गया, देखो हेलो गाइज मैं आ गया, देखो हो गया मेरा बैकअप, ये जो फाइल है ओके ये बैकअप हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद वही कम से कम कितने मिनट लगे होंगे, वही कम से कम 2-3 मिनट 3-4 मिनट हो लगे होंगे तो बैकअप लेने में ओके। और इसके बाद क्या करना है ब्रो, ये फोल्डर को कॉपी करके सॉरी ओपन हो गया, इसको कॉपी करके कट या कॉपी कर सकते हो क्योंकि अगर ये मान लो इसको सॉरी इसको कॉपी कर लो किसी और फोल्डर में डाल दो ओके। मैं फोल्डर बना लेता हूँ ओके, जैसे मैं KD1 में जो इनपुट है उसमें डालता हूँ ओके। ये मूव हो रहा है ब्रो, जब तक मूव हो रहा है तो बताता हूँ ब्रो, ये ट्रिक किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता ओके। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ब्रो, कभी भी आप रोम चेंज करो तो डरते हो यार पर मेरे को ये गेम फिनिश, हर ये हर गेम में ये हो जाएगा ओके। कोई भी गेम रहेगा ना आप ऐसा ही करोगे ना उसका फाइल जाएगा, जैसे मैंने कॉपी किया, हर गेम में ये रूल फॉलो करना ओके। फ्री फायर हो कोई भी गेम आपको ऐसे करोगे ना तो आपको हो जाएगा ओके। अब उसके बाद क्या करना है, इसका बैकअप लेना, ये ना इसमें क्लिक करना, इसका बैकअप लेना ओके। इसको कट कर लो, कॉपी जो कर लो ओके, कॉपी करके अपना एक ही फोल्डर मतलब रखना आराम से कि बाद में कोई दिक्कत ना, जिसको भी हो जाएगी जल्दी हो जाएगा ओके। उसके बाद आपको APK का बैकअप लेना, APK का अरे APK का बैकअप लेना, यहाँ जाना
यहाँ पे देखो लिखा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्लिक करना, एप्लीकेशन यूज ऐप सिस्टम ऐप, ओके सिस्टम ऐप में क्लिक करना, सॉरी सिस्टम ऐप नहीं, सॉरी सॉरी यूजेज ऐप लिखा ये यूजेज ऐप, इस पर क्लिक करना, यूजेज ऐप में इसको इसको क्लिक करके रखना, यहाँ पे कॉपी करना, बैक बैक और उसके बाद पेस्ट कर देना, ओके तीन साथ। और उसके बाद ब्रो अब कोई भी फ़ोन हो, कोई भी फ़ोन हो, जैसे कोई भी फ़ोन हो, ओके उसमें आपको अगर इंस्टॉल करना हो पबजी बिना MB डाउनलोड किए हो कुछ भी, या तो अपना मार्क रीसेट करना है, इसको अपना मेमोरी कार्ड में रख दो, PC में रख दो, पेन ड्राइव में रख दो, ओके उसके बाद जब अपना मार्क रीसेट कर लो, ओपन कर लो, मैं दिखाता हूँ ओके कैसे क्या करना है। देखो मैं गेम अनइंस्टॉल कर दिया, ओके गेम अनइंस्टॉल हो गया ख़त्म, ओके उसके बाद क्या करना है, इसको फाइल कर ले लेना है, फिर इसको इंस्टॉल करना है पहले, ओके ये एक नंबर ट्रिक ब्रदर, अब इसी को भी नहीं पता यार ये करोगे ना, मैं बहुत पहले फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है एम डाउनलोड अपडेट करने में क्या होता है यार, किसी के पास इतना डिटेल ज़्यादा वो नहीं होता है। तो उसके बाद क्या करना है, इसको डन कर दो या ओपन कर दो, मैं बताऊँ पहले ना ये गेम को पहले ओपन करना एक बार, ओके जैसे कहाँ गया ये अपना भी गेम ओपन किया, ये हर हर चीज हर हर उसमें काम करेगा, पबजी हो भी कुछ कोई भी गेम हो ओके सब में काम करेगा, ऐसे ही तीन उसका तीन फाइल बैकअप, जैसे मैं बताया ना उसमें जाना उसे बैकअप, जैसे मैंने देखो बताता हूँ क्या करना, जैसे ये आर गेम है ओके इसका मेरे को बैकअप लेना है, इसका अंदर का फाइल, तो इसमें ऐसे जाना है एंड्रॉइड में डाना ऐसे करना और उसको उस फोल्डर रखना, ये है ना इसको इसको बैकअप लेगा उसे होगा सेम सब वही ओके। जैसे मैंने इसको अब मैं पबजी बीच में बनाता हूँ ओके, मेरा एक इंस्टॉल हो गया पीके, इसको एक बार ओपन कर लेना, फिर सेकेंड है आपको इसके अंदर इसके इसके जो है ना जो मैंने जीप फाइल बनाया ये पहले इस पहले इसको क्लिक करके, नहीं तो पहले आप भी चले ये OBB ना OBB पहले इसको इसको करके उसमें डालते हो ओके, बट कस्ट या कॉपी जो भी करना है आपको कर सकते हो, एंड्रॉयड में गया OBB में गया, जो पबजी का जो फोल्डर बना भी जीमें देखो खाली है ना, इसमें इसमें पेस्ट कर देना ओके। ये तो ये पहला सबको पता होगा, पर जो जो मैं वो बता रहा हूँ वो किस वो अधिकतर लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं खुद से ये सीखा, मैं यूट्यूब में भी बहुत ढूंढा पर मिला नहीं, पर मैंने ये खुद से किया ओके। उसके बाद क्या KDE में जाओ और उसके बाद ये इसको कॉपी करके पेस्ट करो, ये कर लोगे ना आपको इस देखो बताता हूँ, जब इसको ओपन करोगे इसके अंदर इसको कॉपी करना ओके, इसके अंदर ओके इसको कॉपी करना, उस बाहर से भी कर सकते हो पर मैं जो बता रहा हूँ कि आप भूलो ना इसे करना ओके। इसके बाद इसको कॉपी करना, बेकाना बेकाना बेकाना, और वही एंड्रॉयड में जाकर डाटा में जाकर इसके पबजी BGMI जो फोल्डर है पबजी BGMI जो भी गेम करोगे उसके अंदर जाकर ऐसे पेस्ट कर देना, ये जो है रिमेंबर इसको टिक करके मर्ज के ऑप्शन में क्लिक कर देना ब्रो, आपको बस इसका काम हो गया, अब इंजॉय कर सकते हो, आपको एक गेम भी कभी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा हम कभी भी, और आपका ये टेंशन दूर हो गया आपकी, अगर अगर ये ख़त्म हो गया तो कैसे क्या करोगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपको, अब कभी भी मोबाइल सेट करो, फॉर्मेट करो, कुछ भी करो ठीक है ब्रो। देखो मैं रोम चेंज करता हूँ, मेरे को पता है क्या होता है, अब मेरा दोस्त भी कोई आता ना बोलता यार अब गेम भेजे तो मैं इसको खुद दे देता हूँ, ले अभी अब बोलता है कि डाउनलोड खुद नहीं करता, मैं सब कर देता हूँ, एक MB भी नहीं लगता है उसको, एक MB भी नहीं लगता है। और ब्रो जब गेम ओपन कर लोगे ना तो उसको उसको ना आप रीसेट भी कर, देखो अब गेम ओपन कर लोगे तो आप रीसेट भी आप भी मर्जी करना कर सकते हो, उसका गेम की डिफॉल्ट सेटिंग रीसेट कर सकते हो, क्योंकि किसी किसी सेटिंग ना अपने अपने जो कंट्रोल होता है वो मैच नहीं करता है, तो आप इस गेम में अंदर गेम में जाकर आप रीसेट भी कर सकते हो डिफॉल्ट सेटिंग पे क्लिक करके। तो ब्रो इसको पासवर्ड कर देते देख लेना, और हाँ का देखो कभी भी आप ऐसे करके सोचोगे बैक मतलब सोचोगे कि यार मेरे को और काम करना कॉल करना है, तो ये बैक बटन ऐसे क्लिक करके आप ऐसे भी कुछ कर सकते हो ओके, आप अपना काम कर सकते हो ऐसे क्लिक करके, आप अपना ये देख सकते यहाँ पे ऐसे देख सकते हो ओके, अंदर जाकर ऐसे ऐसे देखो आ गया, ऐसे होम बटन में क्लिक करना, उसका देखो यहाँ पर आ गया देखो हो रहा है, अब वही कैंसिल भी नहीं होगा आराम से कर सकते ओके। और ये जो ब्रो दिखा रहा है टाइम देखो कितना 3.25 GB ओके, स्क्रीन चला जिनको KB फाइल होता है ना थोड़ा टाइम लगता है ओके, कम से कम वही ये जो फाइल होने में कम से 10 या 5 मिनट लग ही जाएगा, पर ब्रो आपके हैं तो ब्रो वाच करो मैं पासवर्ड कर देता हूँ ओके।
हे गाइस, ये अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा रहा है, पर यहाँ पर ऐसे करके देखे, ओके ऐसे क्लिक करना, तो ये है ना न्यू, इसको रिमेंबर पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके ऐसे करना, ओके तो आपका ये हो जाएगा। तो ब्रो आपका हो गया सब एक्सेस, ओके अब आपको कुछ नहीं करना ब्रो। कभी कभी देखो यहाँ पे, कभी मतलब जो लास्ट में होगा ना तो फेल, कभी कभी फेल आ रहा देखा, ओके ओके तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा आपका, ओके तो ऐसे पूरा कर दो, उसके बाद गेम ओपन कर लो। कभी भी एरर ऐसे लिख के आए ना लास्ट में तो ऐसे भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो मतलब हो गया, ओके इसको अलाउ कर दो। अगर ये आप में ऑप्शन, ये अलाउ का ऑप्शन नहीं आया ब्रो, ओके अलाउ का ऑप्शन नहीं आया ये वाला, तो यहाँ पे जाओ एप इन्फो में जाओ, मोर में जाओ और परमिशन में जाओ, और ब्रो आप वीडियो को फुल वॉच करो, ये फाइल फाइल एंड मीडिया लिखा ना इसको जाकर ऐसे अलाउ कर दो, ओके तो आपका ये हो जाएगा, ओके अगर आपके में ना आए तो अलाउ का, जो मेरा में आया था। अब देखो आपका गेम ब्रो ओपन हो जाएगा, चेक इन यू फॉर अपडेट। आपको एक कैंप भी नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, मस्ती से अपन करो। सॉरी सॉरी, ट्विटर था, ट्विटर था गेम अपन था, मैं तो प्ले गेम से करता हूँ, नहीं तो फेसबुक से, ओके ऐसे कनेक्ट, अपना जो अकाउंट है उसे कनेक्ट कर लो, मस्त आराम से गेम अपन हो जाएगा। देखो ब्रो कुछ भी हुआ ब्रो, आराम से गेम ओपन हो गया। तो इसके लिए ब्रो आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना पड़ेगा यार, क्योंकि बहुत लोग का ये प्रॉब्लम होता है यार, तो आपको हर लोग ऐसे बैकअप लेके रखेगा, आराम से गेम ओपन करेगा। अरे मैं बहुत दिन से अच्छा ये पुराना आईडी, बहुत दिन से आईडी अच्छा पुराना आईडी हो गया यार, मतलब पुराना आईडी लॉगिन हो गया है, तो कोई ना चलेगा। तो गाइस देखो यार सब मैप है, देखो कुछ भी डाउनलोड करना पड़ा, देखो मैंने डाउनलोड करके मतलब डाउनलोड करके बैकअप लोगों ने, देखो सब है, एक भी डाउनलोड करना पड़ा नहीं, सब ओपन है, देखो सब मैंने जो डाउनलोड करके रखा है, देखो सब है, सब डाउनलोड कर रखा है। मैं एक आपको एक इना लगा देखता, देखो क्लासिक, आपको एक मैं सैनिक लगा दिखाता हूँ, ओके सैनिक लगाया, देखो हो गया ना ब्रो। ये ट्रिक किसी ने, तो ब्रो आप देखो वीडियो को फुल वॉच करना, ओके तब समझ, तब आपको समझ में आएगा। अब ब्रो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, शेयर तो जरूर करना, क्योंकि बहुत लोग को ये नहीं पता है, अगर सबको पता चल जाएगा तो ब्रो सोचो कि सबको कितना जी बचेगा। गेम अनइंस्टॉल भी मारेगा ना, तो गेम अगर मोबाइल से भी मारेगा तो उसको कितना अच्छा ईजी से हो जाएगा। तो ब्रो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना, मिलते हैं पब भाई, ओके और वीडियो फुल वॉच करना, शेयर तो जरूर करना, पब भाई।